नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जॉब्स मैसेज में। आज है 23 फरवरी 2020 और हम आज 23 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, किस राज्य सरकार ने किसान मजदूर कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस शहर में सरदार मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, ए, अमरजीत सिन्हा, बी, भास्कर खुलवे। क्वेश्चन नंबर पाँच, ESPN TV चैनल महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर छः, किस भारतीय अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर सात, किस राज्य में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में किसके द्वारा 4 दिवसीय भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर नौ, भारत में अभी तक का सबसे लंबा रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किसने किया है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार द्वारा जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, 1 अप्रैल 2020 से दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, भारत।